हेलो किड्स, दिस इज़ योर इंग्लिश बुक ग्लिटर ऑफ क्लास फर्स्ट। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 5, 3 फ्रेंड्स। लेट्स डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? And the answer is, write your best friend name and then is my best friend. Write like this. जो भी आपके best friend का नाम होगा आप यहाँ write करोगे और इस तरह अपना answer complete करोगे. Okay, suppose that मेरे best friend का नाम है सीमा. Now मैं यहाँ write करूँगी सीमा. सीमा is my best friend. और आप यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम राइट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्पीक 2 सेंटेंसेस अबाउट नानू एंड द आंसर इज, नंबर 1, नानू कैन क्लाइम द ट्री. नंबर 2, नानू कैन स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर 1, वेयर डज नानू लिव? विलेज, टाउन एंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट, टिक हियर. नंबर 2, एली इज एन एलिफेंट. टिक हियर एंड राइट हियर एन एलिफेंट. राइट लाइक दिस. नंबर 3, नानू एंड एली हैव वन मोर फ्रेंड. हिज नेम इज मानू, तानू और एलू. मानू, नानू और एली का एक और फ्रेंड है. कौन? मानू. राइट हियर मानू. लाइक दिस. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. Use the words from the splash. Number 1, Nanu rides on Ellie's back. Right here, back. Number 2, Nanu climbs a tree. Right here, tree. Number 3, the small monkey is said. Right here, monkey. Number 4, Ellie tells Dash to help the monkey. Ellie tells Nanu. Right here, Nanu. Write like this. Now think and answer. Question number 1, Ellie and Nanu have fun. Pick a sentence that tells you this. एली और नानू मस्ती कर रहे हैं. तो वो सेंटेंस आपको बताना है इस लेसन में. जो ये स्टोरी थी वो सेंटेंस आपको बताना है जो ये बताता है कि एली और नानू मस्ती कर रहे हैं. आंसर होगा द सेंटेंस, दे प्ले विद वाटर टेल्स अस दैट एली एंड नानू हैव फन. ये जो सेंटेंस है आपकी स्टोरी में, ये दे प्ले विद वाटर, इससे हमें पता चलता है कि नानू और एली बहुत मस्ती कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एली कांट क्लाइम द ट्री बिकॉज ही इज बिग, ही हैज नो लेग्स, ही हैज नो हैंड्स. बिकॉज ही इज बिग, एली ट्री पे नहीं चढ़ सकता है क्योंकि वो बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द स्मॉल मंकी सैड? स्मॉल मंकी दुखी क्यों है? आंसर इज, द स्मॉल मंकी इज सैड बिकॉज ही कांट गेट डाउन. स्मॉल मंकी इसलिए सैड है क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉल मंकीज
नेम, स्मॉल मंकी का नाम क्या है? आंसर इज द स्मॉल मंकीज नेम इज मानू। स्मॉल मंकी का नाम मानू है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द स्मॉल मंकी हैप्पी? स्मॉल मंकी खुश क्यों है? आंसर इज द स्मॉल मंकी इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट डाउन। स्मॉल मंकी इसलिए खुश है क्योंकि वो नीचे आ गया है। नाउ योर हाफ एक्सरसाइज इज कंप्लीट एंड द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।